क्या आपने गूगल प्ले पर कभी कुछ परचेस किया है लेकिन आपका पेमेंट डिक्लाइन हो गया हो? मैं समझ सकती हूँ कि गूगल प्ले पर पेमेंट डिक्लाइन होने पर कितनी परेशानी होती है। मुझे भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपके हेल्प कर सकूँ इस प्रॉब्लम से निकलने में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गूगल प्ले में पेमेंट की डिक्लाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे कुछ ही मिनटों में फिक्स किया जा सकता है। चाहे आपका कार्ड एक्सपायर हो गया हो, आपके पास पैसे के कम हो, या फिर आपकी बिलिंग एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो, हम आपको सारे फिक्सेस बताएंगे और आप फिर से स्मूथली गूगल प्ले पर शॉपिंग कर पाएंगे। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक्मोडेना पर। यहाँ पर हम लेकर आते हैं लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स एंड ट्यूटोरियल्स। अगर आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं गूगल प्ले पेमेंट प्रॉब्लम कब आती है। पेमेंट प्रॉब्लम तब होती है जब आप कुछ परचेज करने की कोशिश करते हो और पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। इसके कुछ रीजंस ये हो सकते हैं, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया हो या कार्ड कैंसिल हो गया हो, आपके कार्ड में पर्याप्त फंड ना हो, हो सकता है आपका कार्ड गूगल प्ले द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता हो, आपके बिलिंग एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो, आपका गूगल प्ले अकाउंट सस्पेंड या बैंड हो गया हो। चलिए पेमेंट प्रॉब्लम के मोस्ट कॉमन रीजंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट देखते हैं एक्सपायर्ड और कैंसल्ड कार्ड। पहले आप चेक करिए कि आपका कार्ड एक्सपायर्ड और कैंसल्ड ना हो। आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट चेक करें और अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी में कॉन्टेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। फिर आप चेक करिए फंड्स की कमी तो नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि खरीदने के लिए पर्याप्त बैलेंस है या नहीं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बैंक को कॉल करके आप पता कर सकते हो। अनसपोर्टेड कार्ड, सभी कार्ड्स को गूगल प्ले सपोर्ट नहीं करता। आप गूगल प्ले की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपका कार्ड सपोर्टेड है या नहीं है। अब आप चेक करें कि बिलिंग एड्रेस में प्रॉब्लम कहाँ है। आप चेक करें कि आपके गूगल पेमेंट सेटिंग में बिलिंग एड्रेस सही है या नहीं। आप अपने बिलिंग एड्रेस को गूगल पेमेंट की वेबसाइट पर जाकर माई पेमेंट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अकाउंट सस्पेंड या बैन तो नहीं हो गया है। अगर आपका गूगल प्ले अकाउंट सस्पेंड या बैन हो गया है तो आप कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते। आप अधिक जानकारी के लिए गूगल प्ले सपोर्ट में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं हाउ टू फिक्स गूगल प्ले पेमेंट डिक्लाइन इशू। सबसे पहले आप कार्ड और पेमेंट मेथड को चेक करें। आप इसके लिए गूगल पेमेंट सेटिंग पर जाएं और उसको ओपन करें। मेक श्योर आपके कार्ड इन्फॉर्मेशन सही हो। फिर अपने कार्ड एक्सपायरेशन डेट एंड बैलेंस को चेक करें। आप अपने बिलिंग एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं गूगल पेमेंट सेटिंग से। गूगल पेमेंट सेटिंग को ओपन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें। टॉप राइट कॉर्नर पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। अब आप टैप करें पेमेंट और सब्सक्रिप्शन पर। नाउ पेमेंट मेथड पर टैप करें। आप डिफरेंट पेमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं या डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस हैं। आप अदर पेमेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। अब आप गूगल प्ले स्टोर ऐप से कैचे और डेटा को क्लियर कर सकते हैं। आप यह करने के लिए अपने फोन की सेटिंग को ओपन करें। आप गूगल प्ले स्टोर ऐप पर जाएं, स्टोरेज पर टैप करें। अब आप क्लियर कैचे और क्लियर डेटा पर क्लिक करें। अगर अब भी सही नहीं हुआ है तो आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हैं। यह करने के लिए आप अपने पावर बटन को दबाएं जब तक कि पावर ऑप्शन मेनू स्क्रीन पर दिखाई ना दे। अब आप रीस्टार्ट पर टैप करें। अब आप अपने गूगल प्ले अकाउंट को साइन आउट करके वापस से साइन इन करें। ये करने के लिए आप अपनी गूगल प्ले वेबसाइट को ओपन करें, फिर प्रोफाइल पिक्चर को टैप करें। अब आप साइन आउट पर क्लिक करें। अब आप अगेन साइन इन करके परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं गूगल प्ले पेमेंट को कैसे डिस्प्यूट करें। इसको करने के लिए आप गूगल प्ले की वेबसाइट पर जाएं। अब आप हेल्प पर क्लिक करें। नाउ रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करें। अब आप अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। फॉर्म को कंप्लीट करें और ये नोट लिखें कि आप रिफंड चाहते हैं। अब आप सबमिट पर क्लिक करें। अब देखते हैं गूगल प्ले पेमेंट को कैसे क्वारी करें।
गूगल प्ले पेमेंट को क्वारी करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। गूगल पेमेंट की वेबसाइट पर जाइए, अपने अकाउंट को साइन इन करिए, माई सब्सक्रिप्शन एंड सर्विस पर क्लिक करें। अब आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन या सर्विस पर क्लिक करें जिसे आप क्वारी करना चाहते हैं। व्यू ट्रांजेक्शन डिटेल्स पर क्लिक करें। ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपको पेमेंट की डेट, टाइम, पेमेंट और टाइप सब दिखाएगा। चलिए आप देखते हैं मोर डिटेल्स। आप सबसे पहले चेक करिए कि आप गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं या नहीं। ट्राई करिए कि परचेज आप डिफरेंट डिवाइस या नेटवर्क से करें। अगर आप VPN का यूज कर रहे हैं तो उसे बंद करके देखें। अगर आपको अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉन्टेक्ट करके देखें कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।